नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड प्राइस इन इंडिया 2024 के बारे में। ठीक है, कई सारे टीचर्स पूछते रहते हैं, सर क्या प्राइस है। ये वीडियो पहले भी बनाया गया था 2024 में भी, लेकिन कई सारे टीचर्स इसके बाद भी पूछते हैं क्या प्राइस है सर, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए, क्या साइज का लेना चाहिए। कई सारे सवाल टीचर्स के मन में होता है। ठीक है, सारा सवाल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। ठीक है, और कुछ टीचर्स डिजिटल बोर्ड लेने से पहले लोन ले लेते हैं, लोन पे टीचर्स डिजिटल बोर्ड लेते हैं, कुछ टीचर्स ईएमआई पे डिजिटल बोर्ड लेते हैं, और कुछ टीचर्स अपना 2-3 साल का सेविंग करके डिजिटल बोर्ड लेते हैं। ठीक है, कई सारा, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है 1 से 1.5 लाख, कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर दूसरा जगह से डिजिटल बोर्ड ले तो लिए हैं लेकिन हमें चलाना नहीं सिखाया गया है। कई सारे हमें टीचर्स कॉल करते हैं, सर लोन पे तो डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा है, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए सही जगह से डिजिटल बोर्ड लेना है जिससे कि आपको आगे चलकर कभी भी कोई परेशानी ना हो। मेरा नाम है गंधर्व और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से हेल्प करते आ रहे हैं टीचर्स को ऑनलाइन आने में। यदि आप एक ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग हेल्प करते हैं टीचर्स को। टीचर्स को खुद का ऐप बना के देते हैं, टीचर्स को स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं, और साथ ही साथ वेबसाइट बना के देते हैं टीचर्स को। और ये स्मार्ट क्लास से पढ़ाने के लिए आपको नोट्स की जरूरत होता है, पीडीएफ का जरूरत होता है, पीपीटी का जरूरत होता है, वो सारा चीज़ हम लोग करके देते हैं टीचर्स को। ठीक है, तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और सेव कर लीजिए अपने फ़ोन पे। ठीक है, 9973725719, इस नंबर को जैसे ही आप लोग सेव कर लीजिएगा, सेव करना है आपको क्रिएटर्स माइंड के नाम से। ठीक है, कंपनी का नाम हो गया क्रिएटर्स माइंड, इसलिए आप लोग क्या करना है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आपको इस नंबर को सेव कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है आज का जो वीडियो है हम लोग का, ये है डिजिटल बोर्ड प्राइस के ऊपर। ठीक है, क्या है डिजिटल बोर्ड प्राइस इन इंडिया। देखिए, प्राइस कई सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ का कीमत जो है वो कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ पे मतलब जो है प्राइस डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर पे। तो पहला जो हम लोग का है, पहला फैक्टर जो है ये है कंपनी। ठीक है, कौन सा कंपनी का ले। ठीक है, सबसे पहला सवाल यही होता है, बेस्ट कंपनी कौन सा है। तो आपको बता दें, ये बेस्ट कंपनी की यदि बात की जाए तो ये भी बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत सारा चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट की बात यदि की जाए, अभी के इन दिस टाइम यदि मार्केट की बात की जाए तो 100 से 200 कंपनी का आ गया। बहुत लोग कॉल जो करते हैं, बहुत सारे टीचर, सर हम इस कंपनी का ले लिए, हम लोग भी उस कंपनी का नाम नहीं जान रहे हैं, इतना कंपनी तेजी से बढ़ रहा है अभी इंडिया में, लेकिन आने वाला दो साल में सारा कंपनी बंद होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम लोग का रिसर्च किया गया डाटा है, क्योंकि अभी लोग उसको सिर्फ दे रहे हैं, अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। 5 महीना हुआ है कंपनी खरीद मतलब खोलना, और जो है उसको बेच रहे हैं डिजिटल बोर्ड सबको, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। कई सारे कंपनी तो बंद हो चुका है दोस्त, कई सारी कंपनी इसलिए बंद हुआ है क्योंकि उसको पता चला इसमें ज़्यादा रुपया आता है, कमाना है, बहुत अच्छा सा कमाना है, टीचर्स का प्यार मिलेगा, लेकिन वो लोग जब प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे ही नहीं पाए, तो कंपनी बंद हो गया। इसलिए आपको सही जगह से चूज करना चाहिए। अब 100 से 200 कंपनी है, लेकिन इसमें ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 4 से 5 कंपनी ही बेस्ट है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, कौन सा 4 से 5 कंपनी बेस्ट है। ठीक है, तो आप हमें कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, और या जिसे आप सेव किए थे क्रिएटर्स माइंड के नाम से, इस नंबर पे कॉल कीजिए, पूरी जानकारी दिया जाएगा, क्योंकि हर एक समय अलग अलग कंपनी बेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए ये चीज आपको जान के रखना पड़ेगा। दूसरा नंबर की यदि बात की जाए, तो यदि आप लोग कंपनी चूज की मतलब कर लिए हैं, अब आता है वेंडर को चूज करने के लिए, किससे ले। ठीक है, कंपनी तो मान के चलिए हमें कोई कंपनी मिल गया, सपोज दैट एक्स नाम है उस कंपनी का, चाहे वाई नाम है। अब ये जो वाई कंपनी का है, ठीक है, तो कंपनी डायरेक्ट तो आपको नहीं देगा, वो बहुत सारा आदमी वेंडर होता है बेचने वाला, जैसे आप हमसे लीजिएगा, तो हम लोग क्या हुए, वेंडर हुए, जो कि आपको हम सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेंडर है ये कैसे चूज करना चाहिए, जैसे वेंडर मतलब होता है दुकानदार। ठीक है, मान के चलिए जो बेच रहा है सामान को, ठीक है, जैसे हमसे आप ले रहे हैं, कई सारा यूट्यूब पे पहले आप वीडियो होंगे, या कई सारे आप जैसे कि सपोज बिहार से हैं तो पटना गए होंगे, आपका नियर बाय में जो भी है, यूपी से हैं तो लखनऊ बनारस गए होंगे, ठीक है, नोएडा गए होंगे, इस टाइप से बहुत सारा, महाराष्ट्र से होंगे आप तो बहुत जगह गए होंगे इस टाइप से। तो वेंडर कैसे हम लोग चूज करें और किससे सामान लें, तो इसमें हम लोग 2-3 चीज पर ध्यान देते हैं। पहला है, हम लोग, मेरा कहना यह है, आप रिव्यू देखिए। रिव्यू कहने का मतलब ये देखिए, क्या ये बेस्ट पहले जो जहां जहां प्रोवाइड किए हैं तो वहां का क्या फीडबैक है, क्या टीचर्स फीडबैक दे रहे हैं, इसके बारे में समझिए। तो क्या देखना है, रिव्यू देखना है। दूसरा बात पूछते हैं, यदि वेंडर का ऑफिस है, ठीक है, यदि वेंडर का क्या है ऑफिस है, तो उससे बात कीजिए, जैसे हम लोग का पटना में है, पूर्णिया बिहार में है, ठीक है, दूसरा बात आपका झारखंड में है, तीसरा बात आपका नोएडा में है, लखनऊ में है, जयपुर में है, तो सारा जगह लगभग ऑफिस है, और लगभग हम लोग पूरा पैन इंडिया, क्या है, हम लोग का जो काम चलता है वो पैन इंडिया चलता है, पूरा इंडिया में हम लोग लगाते हैं। ठीक है,
तो इसलिए सबसे पहले आपको रिव्यू देखना है जिससे भी आप खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कहना है मेरा से ही खरीदिए, किसी से ही खरीदिए। तो आपको रिव्यू देखना है पहला। दूसरा क्या है, आपको क्या ऑफिस चेक करना है, ऑफिस है या नहीं। ऐसा नहीं है सारा वेंडर का ऑफिस रहता ही है, ठीक है। यदि है तो आपको विजिटल मतलब क्या करना है, विजिट कर देना है। ये जो फिजिकल प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं ये इतना महंगा, ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको एक बार फिजिकली जाके मिलना चाहिए। फिजिकल प्रोडक्ट नहीं, ये जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं ना सर, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, एक बार जिससे आप ले रहे हैं खरीद रहे हैं उससे एक बार जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको मिलने के बाद कई सारे चीज़ों का पता चलता है, किस टाइप से ऑफिस है, कैसे क्या, आगे मदद करेंगे कि नहीं। बोल कोई भी सकता है, कैमरा पे हम भी हंस सकते हैं, हो सकता है हम बाहर में जाएंगे तो बहुत सारा मेरा टीम में दिक्कत आया होगा, उसको देखने के बाद फिर टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन कैमरा पे हर एक लोग हंस देते हैं, ठीक है। इसलिए हो सकता है ऑफिस, यदि आपके पास भी टाइम है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। अब देखिए ऑफिस के बाद आपको क्या करना है, ये देखना है एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। सपोज दैट सब कुछ सही है, एक्सपीरियंस बहुत कम है, ठीक है। अब कई सारे टीचर्स हमें ये भी कॉल करते हैं, सर डिजिटल बोर्ड लगवा लिए लेकिन टेढ़ा लगा के चले गया, कैमरा को उल्टा ठोक के चला गया। तो इस टाइप से नहीं करना है ना, आपको ऐसा जगह लेना है जहाँ की एक्सपीरियंस वाले हो, ऑफिस उसका हो, रिव्यू जो कि आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो किसी के विश्वास पे ले रहे हैं, किसी के वीडियो देख के ले रहे हैं या किसी के टीचर्स के बोलने पर ले रहे हैं। तो ये सारा चीज़ों पर जरूर ध्यान देना है आपको, पहला नंबर कंपनी, दूसरा वेंडर। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पॉइंट पे। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग का है, कौन सा साइज का आप लोग चूज कर रहे हैं। तो मार्केट की यदि बात की जाए, देखिए साइज का यदि बात की जाए तो 4 से 5 साइज का आता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 जो है साइज सबसे ज़्यादा चलता है। पहला साइज है 65 इंच, ये चलता है, दूसरा है 75, सबसे ज़्यादा चलता है, और फिर तीसरा है आपका 86, 86 इंच। तो ये 3 साइज का मेनली क्या है, डिजिटल बोर्ड लोग ले रहे हैं अभी के समय की यदि बात की जाए। तो पहला आ गया 65, फिर 75, फिर 86 इंच। तो ये 3 साइज का मुख्य रूप से लोग डिजिटल बोर्ड खरीदते हैं। अब देखिए ये जो है प्राइस, आज का जो बताने वाले हैं आपको प्राइस, ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये तीनों चीज़ों को बताना पड़ता है। जैसे कोई भी टॉपिक को आप पढ़ाते होंगे ना कभी कभी, ठीक है, जैसे कि आप सपोज दैट कोई भी चीज़ को जोड़ते हैं, ठीक है, 2 + 2, तो पहले आपको क्या आना चाहिए, ये इसको 2 बोलते हैं ये तो आना चाहिए आपको। यदि आप सपोज दैट कोई चीज़ को डिवीजन सिखा रहे हैं, भागा सिखा रहे हैं किसी को, अपने स्टूडेंट को, तो उसको क्या आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, जोड़ने के लिए आना चाहिए, घटाने के लिए आना चाहिए। तो वही चीज़ है, प्राइस जो है डायरेक्ट कीमत हम लोग नहीं बता सकते हैं ना, ये बहुत सारा चीज़ों पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, इससे पहले कंपनी के बारे में बताया उस पे डिपेंड करता है, इसके पहले वेंडर के बारे में बताया उस पे डिपेंड करता है, इसलिए ये सारा पैरामीटर्स को हम लोग को लेके चलना पड़ता है। अब हम लोग चलेंगे लास्ट जो है प्राइस के ऊपर। अब देखिए प्राइस जो है, जैसे आपको क्या बताया, प्राइस 3 चीज़ों पर मैंने करता है। सबसे पहला आ गया कौन सा कंपनी का आप लोग ले रहे हैं, इस पर प्राइस जो है डिपेंड करता है। दूसरा है आपका प्राइस जो है डिपेंड करता है कितना साइज का आप लोग ले रहे हैं, मेनली यही है, साइज पे डिपेंड करता है प्राइस, ठीक है, कंपनी पे करता है। और तीसरा है आपका वेंडर किससे ले रहे हैं आप लोग, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये 3 चीज़ों पे प्राइस डिपेंड करता है। अब देखिए सबसे पहले बताया था आपको 65 इंच, 65 इंच का लगभग 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। फिर वही बात है जो ये किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी के ऊपर, ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर, ये किस पे डिपेंड करेगा, वेंडर के ऊपर। हो सकता है कोई कंपनी 1,05,000 में भी दे रहा हो, कोई 95,000 में भी दे रहा हो, तो थोड़ा रिसर्च कीजिए सर, तब जाके आगे का प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। 65 के बाद हम लोग आते हैं किस पे, 75 इंच, जो कि ज़्यादा टीचर्स का ये रहता है जो हमें 75 इंच चाहिए, ठीक है। अब कई सारे टीचर्स इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं जो सर 65 का ले, 75 का ले, 86 का ले, कौन हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आप कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो समझ गए 65 इंच का क्या है, 1 लाख से शुरू है, 75 आपका 1,30,000 रुपया से, 1,35,000, हर एक समय का अलग अलग प्राइस होता है, ठीक है, 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 तक शुरू हो जाता है। शुरू कहने का मतलब बढ़िया कंपनी, ऐसा नहीं है आपको हम एडवाइस देंगे तो कोई गलत कंपनी का देंगे, मिलने का 10,000-15,000 कम में भी मिल जाता है, लेकिन फिर वहां पे फंसने का डर रहता है। वही चीज जो बताया आपको कहानी, वो कहानी में आपको भी झेलना मतलब पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है 86 इंच, 86 इंच की यदि बात की जाए, ये 2,10,000 में आपका मिल जाएगा। तो ये टाइप से आपका है, ये चीज जो है आपका प्राइस पे डिपेंड करता है, ये सारा चीज प्राइस मतलब प्राइस ये हो गया आपका, और प्राइस ये चीजों पे डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज आपको समझना चाहिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हम लोग टीचर्स के लिए सारा चीज प्रोवाइड करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं दोस्त, 2019 से करते आ रहे हैं। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है सर आपको, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं बेझिझक, कभी भी यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, आप अपने ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, आप दोनों पढ़ाना चाहते हैं, आप सरकारी टीचर हैं तो आपको ये मन में आएगा जो पढ़ाए या नहीं, तो आप हमें कॉल कीजिए 99 73 72 57 19।
ठीक है, क्या है 5-7 के बाद 1-9 है, ठीक है, ये है आपका 1-9 है। अब इसको आप लोग सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है, सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से, क्या नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप लोग सेव कर लीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।